दुर्गा पूजा इज़ ऑल अबाउट फेस्टिविटीज़, पॉजिटिविटी, और मेरे लिए बहुत सारी मेमोरीज ओवर द ईयर्स. हम हर साल दुर्गा पूजा पे अलग अलग पंडाल में जाते थे जो बहुत ब्यूटिफुली डेकोरेटेड होते थे, और वहाँ अमेजिंग खाना खाना. इस पूरे फेस्टिवल का मेरे लिए हमेशा अट्रैक्शन होता था जो एक ऑथेंटिक बंगाली ड्रेसअप है, और इसीलिए मैंने सोचा इसे एक ट्राई देने का. और इस वीडियो में मैंने क्रिएट किया है एक रेड एंड वाइट बंगाली साड़ी और सिमिलर ज्वेलरी एंड चूड़ी के साथ में ये लुक. और देखिए इस वीडियो में मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है. मेकअप से स्टार्ट करते हुए मैंने बेस कैसे क्रिएट किया है आप उसका डिटेल्स मेरे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, मैं लिंक यहाँ ऐड कर दूंगी. मैंने ये ब्रॉन्जर और ये ब्रश यूज़ किया है. आई शेडो के लिए मैं ये रेवोल्यूशन पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से लाइटेस्ट कलर ट्रांजिशन शेड की तरह अपने क्रीज को डिफाइन करने के लिए यूज़ करूँगी, और इसे मैंने ग्रेजुअली 2-3 बार लेके बिल्ड किया है. नौ थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेके मैं फर्दर और अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही हूँ, और इस टाइम वो कलर पहले वाले कलर से थोड़ा सा लोअर प्लेस कर रही हूँ. अब पैलेट में से ये रेड और पिंक दोनों शेड्स मिक्स करके उन्हें ओवरऑल अपनी एंटायर लिड एरिया में डिफ्यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज साड़ी में रेड बॉर्डर है, वाइट साड़ी है, तो मुझे रेडिश टोन चाहिए था आई शेडो में, एंड दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग दीज टू कलर्स. सेम कलर्स लेके मैं अपने अंडर आई एरिया में भी डिफ्यूज़ कर रही हूँ. अब पैलेट में से डार्केस्ट ब्राउन शेड लेके आउटर कॉर्नर में एक लाइनर की तरह प्लेस करके और उसे अपर साइड में भी ब्लेंड कर रही हूँ. इट विल जस्ट गिव अ डार्कर आई शेडो इफेक्ट एट दी कॉर्नर्स ऑफ द आईज. इससे एक अच्छा डेप्थ क्रिएट होगा, और उसे फिर फ्लफी ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. Now I wanted a proper golden glitter on the eyes, जिसके लिए मैं K Beauty glitter pencil use कर रही हूँ, और उसे spread करके 3/4 of the eyes में hand से blend किया है, और फिर ये Swiss Beauty का liquid glitter same वहीं place करके और spread कर रही हूँ. अब अगेन मुझे थोड़ा सा आईज कॉर्नर्स को डिफाइन करना था, तो सेम डार्क ब्राउन शेड लेके मैंने कॉर्नर्स को डिफाइन किया है. नाउ ये ब्लैक काजल पेंसिल लेके मैंने अपनी वाटर लाइन में काजल अप्लाई किया है, और डार्क ब्राउन शेड से उसे थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया एक सॉफ्टर लुक देने के लिए. नाउ यूजिंग माई फेवरेट आई लाइनर दीज डेज, ये फेसेस कैनेडा का लिक्विड लाइनर, और मैं एक प्रॉपर ब्रॉड विंग लाइनर अप्लाई कर रही हूँ, एंड थैंकफुली एक ही बार में ये सही से अप्लाई हो गया. टेकिंग द हाइलाइटर शेड फ्रॉम दिस पैलेट, आई एम जस्ट हाइलाइटिंग माय ब्रॉ बोन एंड यूजिंग दिस मास्टर क्रोम हाइलाइटर. मैं यूजुअल एरियाज ऑफ माय फेस पे हाइलाइटिंग कर रही हूँ. एज यूजुअल अप्लाइंग मस्कारा टू फिनिश द आई लुक. आई हैव ऑल्सो अप्लाइड फॉल्स लैशेज ऑन द आईज. Using this dark maroon lip liner, I'm lining both my upper and lower lips. And if you remember, मैंने अपने Nykaa haul में ये Swiss Beauty lipstick के बारे में share किया था. And this is a lovely maroon color, the kind of color I wanted to use for this look. And I'm using this color today, and I completely loved how it looked on me. Because the color was so dark and I wanted to highlight the inner part, I'm using a light red in a corally shade, and this is how the complete look is. I've also tried to drape the saree in authentic Bengali style. I watched a couple of videos on YouTube and I somehow managed to drape it right. I think I wanted to keep the feel alive, aur isiliye maine usi style mein saree pehenna choose kiya. And I really loved how the entire look has turned out to be. I'm wearing these red jhumkis, and I've paired it with this moti ki ladi, and I've tied it on my hair. I had seen a couple of photos and videos in which proper and authentic jewelry was like this. I paired a similar neck piece which has red beads and white motis. This beautiful ring, which again you have seen in a lot of my videos, I know, बहुत repeat करती हूँ मैं ये, but this was matching so well. And I am also wearing these authentic red and white bangles, Bengali bangles. I have seen my mom wear these bangles all her life. She really loved these bangles,
और उन्होंने ही मुझे ये बैंगल्स गिफ्ट की थी, सो आई हैड दीज विद देम थैंकफुली एंड आई एम वेयरिंग दीज टुडे। And I really enjoyed making this entire video, the feel of it. I hope आप लोगों को ये traditional Bengali Durga Puja inspired look ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे comments करके ज़रूर बताइए आप लोग किस तरह के videos देखना चाहते हैं। अगर आप मेरे channel पर नए हैं तो don't forget to subscribe, like, comment, share. Thank you so much for joining in and see you in the next video. Bye-bye for now.